देखो बात उससे करो जो तुमसे बात के पीछे पढ़कर खुद को जलील करवा। तो अभी जो गाइस आप वीडियो देख पा रहे हो इस तरह के टेक्स्ट लिरिक्स वाले जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा वायरल होते हैं, और आज मैं आप लोगों को एक एक स्टेप के साथ में कुछ इस तरह की वीडियो का एडिटिंग बताने वाला हूँ जिसमें आप देख पा रहे हो ग्लो इफेक्ट एंड टेक्स्ट वाला लिरिक्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भाई वायरल हो सकता है आपका वीडियो। तो बनाना कैसे है देखो, सबसे पहला काम जो आपको है ना, आपका जो भी नॉर्मल सा वीडियो होगा ना उसमें ग्लोविंग इफेक्ट लगाना है तो अपना कैपकट एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा। कैपकट का सारा प्रोसेस तो आपको पता ही होगा, जब आप अपने कैपकट को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे देखना है जो न्यू प्रोजेक्ट ना न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। अभी देखो आपका फाइल ओपन होता है, अब आप जिस भी वीडियो में ग्लोविंग इफेक्ट लगाना चाहते हो, जो भी वीडियो आपने शूट किया है रिकॉर्ड किया है, ध्यान दें आपका जो वीडियो है ना वो आप उस तरीके से रिकॉर्ड करना है जैसे कि जो आसमान है ना वो क्लियर दिखना चाहिए। आपने जो प्रीव्यू में वीडियो देखा था ना सेम उनकी तरह आपको अपना वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड करना है। अब देखो आपने जो भी कोई वीडियो ऐड किया है उसमें अगर कोई नॉइस वगैरह है या फिर कोई ऑडियो वगैरह है तो आप वॉल्यूम पे जाइएगा और इसको ऑफ कर देना बिल्कुल जीरो पे, और उसके बाद देखना है लेयर के लास्ट में एक वाटरमार्क मिलता है तो डिलीट कीजिएगा। साथ में ध्यान रखें आपके वीडियो का रेशियो है ना 9:16 इंस्टाग्राम रील वाला साइज होना चाहिए। बाकी आपको लेयर के स्टार्टिंग में आना है, इफेक्ट पे जाना है, वीडियो इफेक्ट पे जाना है। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारा इफेक्ट ओपन होता है लेकिन आपको ट्रेंडिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग के पास में नाइट क्लब मिलेगा तो आपको नाइट क्लब में जाना है। अभी देखो यहाँ पे आपको पहली वाली जो लाइन है ना उसमें फोर्थ नंबर पे ही मिल जाता है कलराइज प्लेस वाला इफेक्ट, अगर आपको फर्स्ट में नहीं मिलेगा तो आपको थोड़ा नीचे देखना है, वैसे तो यहीं पर मिल जाता है आप देख लेना कलराइज प्लेस वाला। जब आप इसको ओपन करोगे तो इसका जो ओपेसिटी है ना ध्यान से देखिएगा, काफ़ी आसान है। सबसे पहले जो स्पीड वाला ओपेसिटी है ना इसको जीरो पे करना है, उसके बाद देखो ये जो ग्लो वाला है ना ग्लो वाले को मैक्सिमम 24 या फिर 25 तक रखना है। ग्लो वाले के बाद में जो एटमॉस्फेयर वाला आता है पता नहीं क्या लेगा है तो इसको हैंडेड करना है। नेक्स्ट जो रेंज वाला है ना रेंज वाले को फिलहाल के लिए आपको 40 या फिर 42 तक रखना है। अब देखो यहाँ पे जो रेंज वाला है ना इसको अभी के लिए फिलहाल आपको 40 या फिर 42 तक रखना है। अब देखो यहाँ पे जो कलर है ना कलर को आपको 55 से लेकर 16 तक रखना है, यानी कि 58 बेस्ट रहेगा तो वहीं तक आपको रखना है। ये वाला जो ओपेसिटी का सेटिंग मैंने आप लोगों के लिए बताया है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर वीडियो में यही करना है। 1-2 सेकेंड 4-5 सेकेंड आगे पीछे हो जाएगा अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखो मेरा जो वीडियो है ना वो इसमें कैसा भी मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन ये वाला इफेक्ट सही से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो मैं जिस वाली वीडियो पे इफेक्ट लगा रहा हूँ उसका जो सामने वाला बादल है ना वो क्लियर नहीं है। जैसा आपने प्रीव्यू में देखा था उसमें काले बादल दिख रहे हैं तो उसमें इफेक्ट सही से वर्क नहीं कर पा रहा है। अगर आपने कोई ऐसा वीडियो शूट किया है जिसमें आपका जो बादल है ना सामने वाला क्लियर है तो भाई ये वाला इफेक्ट काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा जैसा आपने प्रीव्यू में देखा था। अभी देखो आपने ये वाला वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया है, इफेक्ट का जो सेटिंग है ना आपको सेम ही रखना है जो मैंने बताया था कोई सा भी वीडियो हो। अभी देखो आपको अपना इंसर्ट एप्लीकेशन ओपन करना है, जब आप अपने इंसर्ट को ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो जो वीडियो वाला ऑप्शन है ना वीडियो पे जाना है, जब आप वीडियो पे आओगे तो यहाँ पे जो न्यू वाला ऑप्शन है तो वहाँ पे जाना है। अभी आपका फाइल ओपन होता है, अब आपने जो वीडियो क्रिएट किया था ना उस वाली वीडियो को सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद देखो आपको कैनवास मिलेगा यहाँ पे म्यूजिक के पास में पहले नंबर पे तो उस पे जाना है, इसको टिकटॉक वाले साइज में करना है यानी कि 9:16 में। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑडियो लगाने की ज़रूरत है तो यहाँ पे देखो जो म्यूजिक है ना म्यूजिक पे जाना है, जब आप म्यूजिक पे जाओगे तो आपको अगेन म्यूजिक पे जाना है, अगर आपके पास में डाउनलोड में है तो आपको माय म्यूजिक में जाना है, अगर आपके पास डाउनलोड में नहीं है तो आप एक्सट्रैक्ट ऑडियो फॉर्म वीडियो पे जाइएगा। जब आप वहाँ पे क्लिक करोगे आपका फाइल ओपन होता है, आप अपने किसी भी वीडियो से यहाँ से ऑडियो बना सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास में एक वीडियो था वॉइस ऑडियो वाला तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब देखो आपका जितना ऑडियो है ना जितने भी सेकंड का आप वीडियो बना रहे हो उतना ही ऑडियो का एंड वीडियो का लेयर होना चाहिए, बाकी के पार्ट को आप स्प्लिट कर डिलीट कर देना। अभी देखो यहाँ पर आप अपने ऑडियो को प्ले कर देखिएगा जैसे कि आपको लिरिक्स कैसे डालना है, तो जहाँ से भी लिरिक्स डालना है आपको लेयर के स्टार्टिंग में आना है, टेक्स्ट पर जाना है, एडिट पर जाना है। अभी देखो आपको यहाँ पे जो भी ऑडियो में बोला जाता है ना वही लिखना है, जैसे कि एक भी सेकंड आगे पीछे नहीं होना है, जो ऑडियो में बोला जाता है ना आपको सेम टू सेम वही कीवर्ड यहाँ पे डालना है। कलर वाले आइकन पे जाना है, टेक्स्ट का ओपेसिटी बिल्कुल फुल होना चाहिए 100% पे, बाकी जो टेक्स्ट है ना टेक्स्ट में ब्लैक वाला कलर आप यूज कीजिएगा, और आपका जो टेक्स्ट का साइज है ना ऊपर की साइड में सेंटर में होना चाहिए, साथ में टेक्स्ट का जो साइज है ना बिल्कुल छोटा होना चाहिए जितना मेरा है। अभी देखो एनिमेशन पर जाना है, और यहाँ पे ये वाला जो एनिमेशन है ना पहले वाला ये वाला एनिमेशन आप यूज कीजिएगा, ओपेसिटी को 3 या 4 तक आप मैक्सिमम इतना रहने देना, टेक्स्ट वाले लेयर का टाइमिंग उतना होना चाहिए जितना आपका वीडियो का टाइमिंग है, बाकी का जो पार्ट है आप स्प्लिट कर डिलीट कर देना। अभी देखो अगर आप टेक्स्ट में फॉन्ट वगैरह को यूज करना चाहते हो तो आपको एडिट पे जाना है, डबल ए पे जाना है, और यहाँ पे देखो मेरे पास में एक फॉन्ट है, मैं अपने ये वाला फॉन्ट ही यूज करना चाहता हूँ आप देख पा रहे हो, तो अभी ये वाला जो फॉन्ट है ना मैं अपने टेक्स्ट में यूज कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे दे दूंगा
तो आप चाहो तो इसको यूज कर लेना, बाकी नॉर्मल भी काफ़ी बढ़िया होता है। अभी देखो आप अपना वीडियो प्ले कर देखिएगा, जब आप प्ले करोगे तो यहाँ पे आपका जहाँ से भी ऑडियो डायरेक्ट चेंज होता है ना, वहाँ पे आपको स्प्लाइड देना है, पहले वाले टेक्स्ट को कट करना है और न्यू वाला टेक्स्ट यहाँ पे डालना है। काफ़ी आसान तरीका है, जैसे कि आपको अपना ऑडियो प्ले कर देखना है, जहाँ तक भी आपके ऑडियो में बोला जाता है ना, जहाँ से भी आपका डायरेक्ट चेंज होता है ना, वहाँ पर आप लोगों को स्प्लाइड देना है, एडिट पर जाना है और पहले वाले टेक्स्ट को कट करना है, जो भी न्यू वाला टेक्स्ट है ना वो आपको वहाँ पर डालना है। तो ये तो काफ़ी आसान तरीका है, आप अपना लिरिक्स अपने ऑडियो के अकॉर्डिंग क्रिएट कीजिएगा, जो जो ऑडियो में बोला जाता है ना, किस किस टाइम पे बोला जाता है और किस जगह पे स्प्लाइड देना है, कहाँ से आपका ऑडियो चेंज होता है, ये तो सिर्फ आपको पता होगा भाई, आपके ऑडियो के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे मैं जिस ऑडियो के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ सेम उसी के अकॉर्डिंग लिरिक्स को क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपको ये वाला ऑडियो चाहिए ना तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डायरेक्टली यूज भी कर पाओगे। अभी देखो जो जो ऑडियो बोला जाता है ना, किस किस टाइम पर बोला जाता है, सेम टाइम पर मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा प्ले कर दिखा देता हूँ। गाइस आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा स्मूथ एंड काफ़ी मज़ेदार यहाँ पर बन चुका है, लेकिन यहाँ पर जो वीडियो है ना वो मेरा क्लियर नहीं था, मैंने आपसे पहले भी बोल दिया था। आपको इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है, जो भी आप अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो ना, उसका जो बादल है ना वो क्लियर दिखना चाहिए। बाकी कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हुआ है।